छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। भूपेश बघेल ने एक बार फिर योगी के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए और सीएम योगी पर वादा पूरा न करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है, युवाओं को ना तो रोजगार दे पा रही है सरकार और न प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल पा रही है, महिलाएं और दलित असुरक्षित हैं और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। इन 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। जो वादे लेकर 2017 में आए थे वो उन्होंने पूरा किया नहीं। जनता विकल्प खोज रही है और विकल्प के रूप में हम लोग कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पूरे संगठन सभी जिलों में सभी विधानसभाओं में हमारा बन चुका है, काम चल रहा है। और जिस प्रकार से प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, जनता उनके आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, हर राज्य के अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र होते हैं। जब देश का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, प्रदेश का होता है प्रदेश स्तर पर। जहाँ तक के किसानों के ऋण माफ़ी की बात है, बिजली बिल आधा करने की बात है और 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूँ खरीदने की बात है, 400 रुपये में प्रति क्विंटल गन्ना खरीदने की बात है, छत्तीसगढ़ में हमने सब कर दिया है, तो कोई नई बात नहीं है। हमारी सरकार कर चुकी है और कर रही है, लगातार किसानों को लाभ हम पहुंचा रहे हैं, वो सारी बातें वहाँ हो चुकी है। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग व्यवस्थाएँ होती है, समस्याएँ होती है, उसके हिसाब से निर्णय होते हैं और इसलिए मुझे ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। मुझे यहाँ राज्य के में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं वो तय करेंगे। तो बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ बेरोजगारी दर बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, महिलाएं और दलित असुरक्षित है, ये सब चुनौतियाँ हैं। इन 5 वर्ष